अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, आपने सोशल स्टडीज़ की बुक निकालनी है, ठीक है। इसका आपने कॉपी में काम कर लिया था, थोड़ा काम आपने आप बुक में करना है, ठीक है। ये है आपका चैप्टर सिटीजनशिप फॉर ऑल टू यूज़। इसका आना है आपने क्वेश्चन नंबर ए, वर्क पेज ए, पेज नंबर 27। यू डोंट हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। हमें जो भी सर्विसेज और जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें हर चीज़ की कीमत नहीं देनी पड़ती, यानी हर चीज़ के हमें पैसे नहीं देने पड़ते। कुछ चीज़ें फ्री में भी हैं। राइट फ्री और नॉट फ्री अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने ये जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपने पढ़ना है और इनसे देख के बताना है कौन सी चीज़ें फ्री हैं और कौन सी चीज़ें फ्री नहीं हैं। वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, सड़क पर पैदल चलना, जब आप सड़क पर पैदल चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं या कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो अपने पैरों से, ठीक है, तो वो फ्री है। स्टडिंग इन अ स्कूल, आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉट फ्री, इसकी हम फीस पे करते हैं, ठीक है। बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप, अगर हम दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं है, हम उसको पहले पैसे देते हैं फिर हम चीज़ लेते हैं। ब्रीथिंग फ्रेश एयर, जो अल्लाह ताला ने हमें हवा दी है वो बिल्कुल फ्री है। यूजिंग अ बस और अ टैक्सी, जब हम बस या टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नॉट फ्री, उसके लिए हमें पहले पे करना होता है। यूजिंग वाटर टू वॉश क्लोथ्स, जब हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और एनी अदर थिंग, तो वो भी फ्री है। पानी क्या है, फ्री है। सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो पहले हम डॉक्टर की फीस पेड करते हैं फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं ना, नॉट फ्री। ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन, सूरज में जो कपड़े सूख रहे होते हैं, दैट इज़ फ्री। सन एनर्जी, सन रेज, सन के सूरज हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री, ठीक है। या आपने ये काम करना है, बी आपने ये करना, फाइंड दिस वर्ड्स इन द ग्रिड, ये जो आपको ग्रिड दिया हुआ है इसमें से आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं, कम्युनिटी, ठीक है, ये रहा एस एस सी ओ डबल एम यू एन आई टी वाई, ये रहा सी ओ डबल एम यू एन आई टी वाई कम्युनिटी। टैक्स, टैक्स। सर्विसेज, ये रहा सर्विसेज। पब्लिक, तो इसको आपने इस तरीके से कलर करना है, ठीक है, ये रहा पब्लिक, पी यू बी एल आई सी, पब्लिक। प्राइवेट, प्राइवेट का ये रहा पी आर आई वी ए टी ई, थोड़े से ना ऐसे करके लिखा हुआ है उलट। नेबर्स, नेबर्स का ये रहा, ठीक है, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। देन आपने क्या करना है, देन राइट सेंटेंसेस यूजिंग फाइव ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, इसमें से आपने कोई से भी फाइव वर्ड्स लेने और उनके सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिए, लेकिन अगर आप, अच्छी बात है, ख़ुद से बना लें। नंबर वन, माई पेरेंट्स लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, गेटेड मीन्स जो पूरी कम्युनिटी बनी होती है, जिसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, विदाउट परमिशन, जो है विदाउट सिक्योरिटी से परमिशन लिए बगैर अंदर नहीं जाने देते हैं, पूरा सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गेटेड कम्युनिटी। टैक्सेस आर पेड टू द गवर्नमेंट, हम जो टैक्सेस पे करते हैं वो किसको जाता है, गवर्नमेंट को। द स्कूल प्रोवाइड्स एक्सलेंट सर्विसेज, ये स्कूल जो है वो अच्छी सर्विसेज देता है, दिस स्कूल प्रोवाइड एक्सेलेंट सर्विसेज, ठीक है। फाइव सेंटेंसेस बनाने, आई यूजुअली टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं हमेशा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती हूँ आम तौर से। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू इन प्राइवेट, मुझे आपसे प्राइवेट में पर्सनली कोई बात करनी, ठीक है। ही इज़ अ नेबर ऑफ आवर्स, वो हमारे पड़ोसी हैं, ही इज़ अ नेबर ऑफ आवर्स, ठीक है। इनमें से आपने कोई भी आपने काम कर लेने, फाइव सेंटेंसेस लिख लेने, भले एक छोड़ दें या फिर आप अपने पास से बना लें तो बहुत अच्छा है। तो सही, अगर आपको कोई काम नहीं समझ आ रहा है तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा।